आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बकरीद स्पेशल तवा कलेजी की रेसिपी। इसके लिए हमने आधा किलो कलेजी ली है। सबसे पहले हम इसको वॉश करने का तरीका आपको बताएंगे। हमने एक कप दूध और इसमें आधा दूध और आधा पानी है, इसे दो दफ़ा पानी में वॉश की हुई कलेजी के अंदर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखें कलेजी कितनी अच्छी तरह से वॉश हो गई है और इसमें कहीं भी हल्का सा भी ब्लड नजर नहीं आ रहा। अब इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करना है 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके बाद इसके अंदर ये सारे मसाले चले जाएंगे, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून ली है पिसी मिर्चें, 1 टेबल स्पून लिया है भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ली है काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून लिया है भुना कुटा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून ली है हल्दी, 1 टेबल स्पून ली है कुटी मिर्ची। इसके बाद इसके अंदर चली जाएंगी तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे दही। इन सारे मसालों को कलेजी के अंदर मैरिनेट करके 1 घंटे तक रखना है और नमक जो है वो इसके अंदर अभी नहीं जाएगा, क्योंकि नमक अगर हम पहले शामिल कर देंगे तो फिर इसे गलने में प्रॉब्लम होगी। कलेजी बनाने के लिए हमने तवे के ऊपर 1/2 कप ऑयल डाला है और 2 दरमियानी साइज की प्याज कद्दूकश करके हमने इसमें डाली है। प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैरिनेट की हुई कलेजी चली जाएगी। तवा कलेजी के अंदर जो कलेजी हमने इस्तेमाल की है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट हुई भी है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे। कलेजी का पानी खुश्क हो गया है और ये बहुत अच्छी से गल गई है। और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनी है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे और इस स्टेज पर इसके अंदर नमक चला जाएगा। हमारी मजेदार सी तवा फ्राई कलेजी तैयार है। ऊपर से इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, आखिर में चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।